नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा, स्वागत है आप सबका। तो अगर आपके दांत में दर्द है तो आपको क्या करना है, अनार के पत्तों को आप छाया में सुखा लीजिए, उसको सुखा के उसका चूर्ण बना लीजिए, उसको पीस कर, और उस चूर्ण को आप तिल के तेल में गर्म करके इफेक्टेड स्थान पर लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपके दांतों का दर्द चला गया है। और इसके अलावा दूसरा एक उपाय है, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि लौंग का तेल आता है, या तो आप लौंग का पेस्ट बना के और ये अनार के पत्तों का चूर्ण और लौंग को उसके साथ में रगड़ के तिल में डाल के उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट सीधा लौंग के तेल में एक थोड़ा सा और कॉटन का रुई का टुकड़ा लेना है, उसको तेल में डिप करना है, तो और उसको इफेक्टेड स्थान पे जाड़ या दांत जहाँ भी है वहाँ उसको रख लीजिए। और इन सब से आपको क्या इंस्टेंटली दांत के दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। और अगर वह किसी छोटी मोटी हल्की फुल्की दांत में दिक्कत की वजह से है तो आपका इन्फेक्शन सही हो जाएगा। और इसके साथ ही मतलब आपको दर्द में तो इसका आराम मिलेगा, लेकिन अगर आपके दांत या जाड़ में दर्द किसी इन्फेक्शन की वजह से, पस की वजह से, या किसी और दूसरी बीमारी की वजह से हो रहा है, तो एक बार आप वैद्य से परामर्श जरूर लें, क्योंकि वैद्य के परामर्श से आपको यह होगा कि आपकी दांतों के दर्द के साथ साथ दूसरी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको देखे और आपके रोग को देखे वह आपको एक बढ़िया योग आपको बता देंगे, जिससे आपका वो दूसरा रोग भी सही हो जाएगा, दांत का दर्द भी सही हो जाएगा। अगर आपको यह समस्या है तो आप ये उपाय करके देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए अगर आपको इससे फ़ायदा होता है, जो कि डेफिनेटली होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसको आप जानते हैं, आपके जो शुभचिंतक है उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए। धन्यवाद। जय धन्वंतरी। जय आयुर्वेदा।